Hey everyone, what's up? My name is Jairaj and welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी 1 वीक की एक्सपीरियंस इन कनाडा। So I landed on 4th of September और उसके बाद for 14 days I did my quarantine because I took Covaxin, so मुझे 14 days के लिए quarantine करनी पड़ी थी and my quarantine ended on 18th of September और 18th of September के बाद today is 27th of September, so it's been more than 10 days that my quarantine has ended और उसके बाद मैंने downtown Montreal में शिफ्ट कर ली है। I'm in my apartment right now। ये जो वाइब है downtown Montreal की ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट 14 डेज क्वारंटीन की थी इट वाज इन अ सबर्ब इन द लवाल एरिया और वहाँ पे आपको ना गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी ना पीपल, नथिंग। वो इतनी सुनसान होती है और इतनी डिप्रेसिंग होती है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी मूविंग टू द डाउनटाउन एरिया और मुझे डाउनटाउन एरिया में ही रहना है। सो यहाँ पे इट्स वेरी हैपनिंग। सेंट कैथरीन स्ट्रीट है, वहाँ पे नाइट क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स है, ओपन पैटियो रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग स्ट्रीट्स है, मेरी कॉलेज भी यहाँ से बहुत ही पास है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू लिव इन द डाउनटाउन एरिया। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहले बात करेंगे द पॉजिटिव और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेगेटिव साइड जो मैंने फेस की ड्यूरिंग माई फर्स्ट वीक इन कनाडा। तो अगर अभी बात करते हैं मेरी फर्स्ट वीक की एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अच्छी थी बिकॉज मैं रह रहा हूँ डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में। इट्स वेरी हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू द सेंट कैथरीन स्ट्रीट जो कि बहुत ही हैपनिंग है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ में सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स है। यहाँ से मेरे अपार्टमेंट से मेट्रो भी बहुत ही पास है, सो विंटर में भी इट नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू माई कॉलेज और एनी प्लेस। और मेरे अपार्टमेंट के एकदम पास ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी है, पास में IGA करके एक सुपर मार्केट भी है, सामने सैलॉन भी है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू लिव इन अ डाउनटाउन पार्ट। और उसके बाद मैं जो फर्स्ट वीक की जो मैंने पहले काम की थी दैट वाज माय बैंक अकाउंट जो मैंने GIC एक्टिवेट कर ली है और उसके बाद माय फ़ोन नंबर। ये सारी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ थी, कोई भी डिफिकल्ट फेस नहीं की मैंने। और मैंने SIN नंबर कैसे ली और आपको भी कैसे लेनी पड़ती है SIN नंबर व्हेन यू लैंड इन कनाडा, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। और उसके बाद CIBC में कैसे मैंने अपनी GIC एक्टिवेट की उसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना ली है जो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये 2 काम आप कर सकते हैं व्हेन यू लैंड इन कनाडा। और अभी मैं बात करूँगा द नेगेटिव पार्ट जो मैंने फेस की थी इन द फर्स्ट वीक इन कनाडा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, जान पहचान नहीं है, जैसे कि मेरे केस में ऐसा हुआ था कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन मॉन्ट्रियल, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन कनाडा। सो मुझे बहुत ही मुश्किल हुई थी टू फाइंड एन अपार्टमेंट। हालांकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं अपार्टमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, कैसे आप शेयरिंग में रह सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, मगर मुझे इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एंड फाइनली बाय गॉड ग्रेस मुझे एक बहुत अच्छे रूममेट मिल गए हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इन सेटलिंग डाउन इन दिस अपार्टमेंट। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो अपार्टमेंट टूर है, आई विल बी गिविंग यू दैट इन द कमिंग वीडियोस। मगर अगर आप आते हैं और इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर लिविंग इन कनाडा, आस्क देम कि वो आपको हेल्प कर दे इन फाइंडिंग योर अपार्टमेंट, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं कि अपार्टमेंट कैसा होता है, आप इंडिया से पैसे भी नहीं भेज सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा फिजिकली कि कैसा अपार्टमेंट है। सो ये फर्स्ट वीक में जो सबसे बड़ी बात, सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए वही था टू फाइंड एन अपार्टमेंट। और मैं जब क्वारंटाइन ख़त्म हुई थी आफ्टर 18 मुझे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं, तो मैंने क्या किया कि आई वेंट टू ए हॉस्टल जहाँ पे मैं 2 दिन के लिए था। येस गाइज, आई स्टेड इन ए हॉस्टल आफ्टर माई क्वारंटीन फॉर 2 डेज क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था। आई डिडंट हैड एनी अपार्टमेंट और मुझे होटल में ज़्यादा पैसा देकर रहना भी नहीं था। सो जो मैं हॉस्टल में था इट वॉज प्रीटी चीप, इट वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड $32 पर डे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। सो वही टाइम पे विदिन 2 डेज आई फाउंड एन अपार्टमेंट। येस गाइज, सिर्फ 2 दिन में मुझे अपार्टमेंट मिल गई थी और कैसे मिली और आप भी कैसे अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो इसके ऊपर मैं एक फुल इन डेप्थ वीडियो बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो व्हेन यू कम टू कनाडा। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी फर्स्ट वीक की एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी कुछ बुरी, क्योंकि जब मुझे घर नहीं मिला था आई वॉज वेरी डाउन, वेरी लो। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था टू माई फैमिली एंड आई वॉज वेरी लो एट दैट पॉइंट। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, माई फर्स्ट वीक इज़ डन, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंटिन्यू माई लाइफ इन कनाडा एंड आई विल बी शेयरिंग माई होल जर्नी विथ यू गाइज। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्लिक द लाइक बटन, कमेंट ऑन बिलो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एज सून एज आई पोस्ट ए न्यू वीडियो। टिल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।